नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में अंसल के घोटालों की जांच ईडी करेगी। अंसल ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने लखनऊ पुलिस से सभी एफआईआर मांगी है। अंसल ग्रुप पर लखनऊ में कई धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं। अंसल ग्रुप को मंजूरी देने वाले अफसरों की जाँच होगी। ईडी ने एलडीए से पूरा ब्यौरा मांगा है। ईडी ने ठीक से जांच की तो बड़े बड़े अफसर जेल जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। लखनऊ में अंसल के टाउनशिप में घोटाले की बात की गई है। फतेहपुर जिले में आज केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर आई नई योजना अग्निपथ के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय से जैसे ही कार्यकर्ता वाहन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त धारा 144 जो है वो लगा दी गई है, जिसमें हर तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ऐसे में पार्टी कार्यालय के बाहर से चलकर कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देने की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन की टीम के बीच उनकी हल्की नोकझोंक और खींचतान भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने सभी को कार्यालय के बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अग्निवीर योजना को जल्द ही वापस लेने की मांग की है। खबर अमेठी से है, जहां आज स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इनके पास चोरी की 6 बाइक और 2 बोरियों में बाइक के पार्ट्स मिले हैं। आरोपी दोनों चोरों के विरुद्ध कार्रवाई कर पुलिस ने कोर्ट में इन्हें पेश कर दिया है। अमेठी के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने बताया के सी ओ मुजाफिर खाना अर्पित कपूर ने निर्देशन में बाजार शुक्ल थाने के एसओ अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों को क्षेत्र के रिज घाट पुल से 150 मीटर पहले बहद ग्राम खेममऊ से गिरफ्तार किया गया है। कैंट के निमल्था में आपको बता दें, दिन दहाड़े हत्या की वारदात का मामला सामने आया है। वीरेंद्र कुमार सागर नाम के शख्स को गोली मारी गई है। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। हत्या करके बदमाश फरार हो चुका है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे तमाम आला अधिकारी हैं, जो कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भेज दिया है। हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदड़े ने आपको बता दें कि आज पर्यटन कार्यालय स्थित तथा परिवहन विभाग कार्यालय के प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को निर्देशित किया है कि पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें, जिससे वाहनों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित पार्किंग के भूमि का एनओसी लेना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन कार्यालय स्थित प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि पार्किंग में इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाना सुनिश्चित करें। कहा कि पार्किंग में प्रवेश करने हेतु बेहतर गेट बनाएं, जिससे बिना इजाज़त लिए कोई भी व्यक्ति वाहन पार्क ना कर पाए। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट व गोवध अधिनियम के अभियुक्त की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के आदेश अनुसार उप जिलाधिकारी और आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह की मौजूदगी में अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। 14,74,403 रुपये की कीमत की अवैध संपत्ति को यहाँ पर कुर्क किया गया है। थाना बरखेड़ा इलाके के खमरिया निवासी शमशाद पुत्र सफी अहमद की गोवध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये पूरा मामला थाना बरखेड़ा इलाके का है।
खबर यूपी के पीलीभीत जनपद से है, जहां पर मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे परीक्षार्थियों के लिए अब जिलाधिकारी पुलकित खरे ने उनकी क्लास लेने के साथ साथ उनके निशुल्क लाइब्रेरी में पुस्तकें मुहैया कराने की व्यवस्था भी करा दी है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने नियमित क्लास में आने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही लाइब्रेरी का कार्ड भी उपलब्ध करा दिया है। उनके डिमांड के आधार पर पुस्तकें देने का भरोसा दिलाया गया है। प्रतापगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर महेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह की मां के निधन के बाद शोकाकुल परिवार के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोकाकुल परिवार के साथ में शोक व्यक्त किया। लगभग 25 मिनट पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के आवास पर रुकने के बाद सुल्तानपुर के लिए सीएम योगी रवाना हो गए। प्रयागराज के नवाबगंज थाना अंतर्गत दरोगा अतुल सिंह के संदिग्ध परिस्थितियों में थाने से थोड़ी दूर पर आवास के बाथरूम में मृत हो पाए गए। आपको बता दें कि लखनऊ राजमार्ग के नवाबगंज चौराहे पर किराए के मकान में दरोगा अतुल सिंह रहते थे। वो मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे। दरोगा अतुल सिंह की मौत की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई तथा आनन फानन में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए व जांच पड़ताल करने लगे। वहीं बातचीत के दौरान उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल तथा पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा कि दरोगा अतुल सिंह की मौत का कारण क्या है। सहारनपुर में लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के मंडल संयोजक व पूर्व विधायक सुखबीर सिंह पुंडिर तथा जिला अध्यक्ष बलदेव राज जोशी के नेतृत्व में लोकतंत्र सेनानी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 26 जून को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए। लोकतंत्र सेनानी को मिलने वाली सम्मान राशि या पेंशन को आप कह सकते हैं कि 30,000 रुपये प्रति माह किया जाए। लोकतंत्र सेनानियों के आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाए और इस तरीके की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में से निसार सिद्दीकी, डॉक्टर आज़ाद चौधरी, राजेंद्र अटल, प्रेम सिंह भंडारी, रमेश चंद्र, अशोक कुमार, राकेश कुमार गर्ग भी मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।